लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर आज युवा नेता निशांत भगत ने नई मुंबई के 300 से अधिक दिव्यांगों को राशन किट, पहचान पत्र और कपड़ों का वितरण किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता दशरथ भगत के मार्गदर्शन में दिव्यांग सामाजिक सेवा संस्था के सौजन्य से वासी गांव में इस मदद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। देखिए रिपोर्ट। विश्व विकलांग दिवस पर वासी के सदगुरु कृपा निवास में आज दिव्यांगों के लिए मदद कार्यक्रम चलाया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता दशरथ भगत के मार्गदर्शन में यहां युवा नेता निशांत भगत की ओर से नवम्बई के 200 दिव्यांगजनों को राशन किट बांटी गई। अपंग सामाजिक संस्था के सौजन्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहाँ महिलाओं को साड़ियाँ, संस्था सदस्यों को पहचान पत्र का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर नगर सेविका फसीबाई भगत, वैजयंती भगत और रूपाली भगत एवं समाजसेवी संदीप भगत भी खास तौर पर मौजूद थे। बीजेपी नेता दशरथ भगत ने युवा नेता निशांत भगत के इस मदद अभियान की सराहना की। वहीं खुद निशांत भगत ने कार्यक्रम को शहर के दिव्यांगों को प्रोत्साहन और सेवा देने का जरिया बताया। दिव्यांग सामाजिक संस्था नई मुंबई च्या माध्यमातून आज खरतर 3 डिसेंबर जागतिक दिव्यांग दिन आहे। ते सोबत जोडले गेलेले जे दिव्यांग आहेत आणि यांच्या जीवनामध्ये जे काही अपुऱ्या गोष्टी आहेत, मग त्यांना महापालिकेतनं एखादी स्कीम कुठली त्यांना मिळू शकते का, शिडकोच्या माध्यमातून एखादी स्कीम त्यांना मिळू शकते का, यासाठी प्रबोधन करून त्यांच्या संस्थेला किंवा त्यांच्या प्रत्येक व्यक्तीला मदत करण्यासाठी यापुढे प्रयत्न राहील। आणि आज खऱ्या अर्थानं जर खरं जागतिक दिन अपंग दिव्यांग दिन साजरा करत असताना अशाच लोकांसोबत साजरं केलं पाहिजे आणि म्हणून खऱ्या अर्थानं आज या ठिकाणी चांगला दिवस यांच्यासोबत काढलेला आहे। आम्हाला यांच्या सोबत जोडत असताना अतिशय आनंद झाला। कुठल्या तरी संस्थेसोबत जोडत असताना चांगलं काम करण्याची संधी यांनी उपलब्ध करून दिली, म्हणून संस्थेचं मी मनापासून आभार व्यक्त करतो। यहां मदत पाने वाले दिव्यांगजनों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी नेता ने नवी मुंबई के सभी दिव्यांगजनों को बुलाकर ऐसी मदद की पहल की है। उन्होंने बीजेपी नेता दशरथ भगत और युवा नेता निशांत भगत के प्रति आभार भी जताया। दिव्यांग सामाजिक संस्था आमची कम से कम 3 वर्षापासून लॉकडाउन मध्ये नवी मुंबईतील सर्व दिव्यांगांना रेशनची मदत केलेली आहे आणि आता निशांत भगत यांच्याकडून काही अपंग जागतिक दिनानिमित्त ते मला कालच बोलले होते की काय आम्ही अपंगांना रेशन वाटतो म्हणून, मग चालेल म्हणलो ठीक आहे सर। असा आम्ही मोठा मोठा कार्यक्रम आज घेतलाय, कमसे कम 500-600 लोक आले। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।